ये बात उस समय की है जब बीजेपी 2014 और 19 में लगातार फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अयोध्या में जीतकर अपना वर्चस्व स्थापित करती है, जिसके बाद जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसी दौरान पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या का दौरा भी करते हैं, जिसके बाद सबका यही मानना था कि बीजेपी 2024 में अयोध्या को बड़ी आसानी से जीत लेगी। लेकिन जब 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो बीजेपी समेत सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल बीजेपी इस बार अयोध्या की सीट हार जाती है। तो आखिर 2019 से 24 के बीच ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अयोध्या वासियों ने वनवास का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी को अपने पॉपुलर सीट से हाथ धोना पड़ा। इन सारी बातों को समझने के लिए हमें 10 साल पहले जाना पड़ेगा, जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये वो समय था जब एनडीए 336 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, जिसमें से 71 सीट तो अकेले यूपी ने बीजेपी को दी थी। 2019 में एक बार फिर भारत की जनता मोदी को 353 सीटें देकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा देती है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को 62 सीट देती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या की सीट धर्म और राम के मुद्दे पर जीत जाती है, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर बनाने का आदेश दिया जाता है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बन रहा था, लेकिन बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट खुद अकेले ही ले लेती है, जो कि इनके स्लोगन में साफ दिखाई देता है। जिसके बाद जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाती है, परंतु इस प्राण प्रतिष्ठा में 4 में से एक भी शंकराचार्य शामिल नहीं होते हैं। दरअसल शंकराचार्यों का यह मानना था कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए और शंकराचार्यों के अनुसार बीजेपी जिस स्थिति पर प्राण प्रतिष्ठा करा रही थी वह समय उचित नहीं था। कि ये समय सही नहीं है, जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। लेकिन बीजेपी ने शंकराचार्य की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर पूरा चुनाव लड़ना चाहती थी, जो कि उन्होंने किया भी, और बीजेपी ने अयोध्या की जमीनी मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि अयोध्या के लोग बीजेपी की इस क्रोनोलॉजी को समझ गए और लोगों को कहीं ना कहीं यह एहसास हो गया कि प्रभु राम हमारी आस्था का प्रतीक है, ना कि किसी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी की आईटी सेल ने भी प्रभु राम को छोटा दिखाने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फोटो को देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी प्रभु राम को मंदिर की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन मोदी का कद राम से भी बड़ा दिखाया गया है। ये पिक जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके अलावा अयोध्या लॉस का दूसरा बड़ा कारण था बाबा का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर सुनते ही कुछ लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बाबा का बुलडोजर केवल मुसलमानों पर चलता है। तो आपको होश में आकर एक बार और सोचने की जरूरत है, क्योंकि अयोध्या में सड़कों को चौड़ा करने के लिए गरीबों के घरों और दुकानों को तोड़ा गया, उन्हें बहुत कम मुआवजा देकर बेघर किया गया और कईयों को तो मुआवजा तक नहीं मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में अयोध्या वासियों के लगभग 2500 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर और 9 मस्जिदों को तोड़ा गया। अयोध्या वासी रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना बंद नहीं हुआ, जिससे लोगों के मन में आक्रोश था और इस आक्रोश का जवाब लोगों ने बीजेपी को वोट की चोट से दिया और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जो पार्टी राम के नाम पे पॉलिटिक्स करती है वो सच्ची राम भक्त नहीं हो सकती। बीजेपी के डाउनफॉल का अगला सबसे बड़ा कारण था ओवर कॉन्फिडेंस और अब की बार 400 पार। पूरा देश कह रहा है अब की बार बीजेपी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि इनके बड़े बड़े नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमें 400 सीट इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और इस बयान को बीजेपी के नेता लल्लू सिंह, जो कि अयोध्या से प्रत्याशी थे, उन्होंने भी दिया, जो कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। सरकार तो 272 तो जुड़ जाते हैं, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग संविधान के महत्व को समझने वाले थे उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को बॉयकट कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाना था। और ठीक इसी समय अपोजिशन के लीडर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी बीजेपी के इस संविधान बदलने वाली बात को जनता के सामने रखा और जनता ने इस बात को गंभीरता से समझा भी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का 400 पार का नारा उनके ऊपर ही बैकफायर कर गया। बीजेपी के डाउनफॉल का अगला कारण था अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक से खासकर यूथ बीजेपी से बहुत नाराज था। दरअसल पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पेपर लीक हुए। एक तो बेरोजगारी अपने चरम पर और ऊपर से जैसे तैसे 4-5 साल में कोई वैकेंसी आती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। जुलाई 2017 इंस्पेक्टर पेपर लीक, 2021 यूपी टेट, 2021 पैट, अगस्त 2021 बीएड, सितंबर 2021 नीट एग्जाम, आरओएआरओ, यूपी बोर्ड पेपर, यूपी पुलिस पेपर, ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम लीक होते चले आए हैं। एग्जाम्स और पेपर की ये दुर्दशा देखकर
यूपी का यूथ काफी नाराज था, क्योंकि अगर यूथ पेपर लीक का विरोध भी करता था तो गवर्नमेंट उन पर लाठियां चार्ज करा देती थी। इसी वजह से यूपी के युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी और आक्रोश था, जिसका खामियाजा बीजेपी को यूपी में काफी सीट लॉस करके भुगतना पड़ा। इन सभी कारणों को जानने के बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि बीजेपी का डाउनफॉल क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट्स में जब बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई, इसके बाद बहुत से लोग अयोध्या वासियों को बुरा भला कह रहे हैं और उन्हें गालियां दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, यह एक रैंडम सेना नाम से अकाउंट है जो ट्वीट करता है, अयोध्या वासी तो निकले। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह व्यक्ति अयोध्या वासियों को बहुत गंदी गालियां दे रहा है। हालांकि यह व्यक्ति अब गिरफ्तार हो चुका है। लोग बोल रहे हैं अयोध्या वासी तो गद्दार निकले। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपने आप को हिंदुओं को मसीहा बताते हैं और आज बीजेपी के अयोध्या लॉस पर अपने हिंदू भाई बहनों को ही गालियां दे रहे हैं। इन लोगों की परवरिश कैसे वातावरण में हुई होगी, इसका अंदाजा आप इनके विचारों से लगा सकते हैं। ये सोशल मीडिया के वो सो कॉल्ड हिंदू है जिन्हें लगता है कि आप अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो आप हिंदू नहीं है, या तो आप गद्दार हैं या खालिस्तानी हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद कभी प्रभु राम के चरित्र को नहीं जाना। अगर इन्होंने प्रभु राम को जाना होता तो आज इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कितने शिक्षित हैं ये आपके बिहेवियर से पता चल जाता है। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और हर नागरिक को अपना लीडर चुनने का अधिकार है, और सोशल मीडिया के चंद गुल्लू तय नहीं करेंगे कि आप किसको वोट देंगे। भारत का लोकतंत्र आपको और हमें वोट देने की शक्ति देता है, और इस वोट की शक्ति से आप किसी भी नेता का अहंकार मिट्टी में मिला सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता वो नेता बीजेपी का है या कांग्रेस का, एसपी का है या बीएसपी का, पीएम है या सीएम, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पद पे हो, अगर वो नेता अपने आप को खुदा समझे तो उसे बता दो कि डेमोक्रेसी में पावर हम जनता के पास होती है, किसी पार्टी या नेता के पास नहीं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए हमें और आपको सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षा का महत्व बताना पड़ेगा, लोगों को संगठित करना पड़ेगा ताकि लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर डेवलपमेंट कराने वाले नेता को चुने। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र सर्वोपरि।